दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, लेकिन अगर इसकी व्याख्या आज के भारतीय संदर्भ में आप करें और उसमें भी अगर स्पेसिफिक हो जाएं थोड़ा और मुंबई को केंद्र में रखकर सियासत के इस बेतुके रंगमंच की व्याख्या करना चाहें तो क्या दिलचस्प नजारे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो ऊपर से देखते हैं राजनीति को, उनको लगेगा कि ये जो बेतुका रंगमंच है सियासत का, इसमें फुहड़पन है, इसमें सतहीपन है, इसमें एब्सर्डिटी है, इसमें व्यर्थता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सावधान करना चाहता हूं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके पीछे सुनियोजित, बिल्कुल सुनियोजित जैसे लगता है कोई प्रोजेक्ट है, एक नियोजित प्रोजेक्ट है। ऐसा लगता है कि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शुरू में समझा, जब सुशांत सिंह का विवाद चल रहा था, जब रिया चक्रवर्ती के पीछे सारे के सारे मीडिया के कैमरे और इंटेलिजेंस एजेंसी CBI ED न जाने कौन कौन सब उसके पीछे पड़े हुए थे, अब वो जेल में है, तो उस वक्त लोगों को लगता था कि ये बिहार चुनाव तक का मामला है और ये बिहार चुनाव में एक निशाना साधने के लिए, एक खास कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए ये योजना है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बिहार चुनाव का मसला नहीं है, बिहार चुनाव भी इसमें एक कंपोनेंट हो सकता है और है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे चीजें आप देखिए, इसमें कैसे कैसे लोग उतरते गए, रिया चक्रवर्ती के पीछे लग जाना स्टेट का पूरा और स्टेट मशीनरी का, मीडिया का, और जानते हैं आप कि मीडिया आज के जमाने में, खासकर जो हमारा मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, वो राजनीतिक औजार बन गए हैं सत्ता के। तो इन सब का पीछे लगना, यह जो पहलू था, मैं समझता हूं कि वो हो सकता है कि वो एक आपको पहलू नजर आ रहा हो जिसका सीधा रिश्ता बिहार के चुनाव से जुड़ता हो। लेकिन इसमें पेंच दर पेंच, पर्त दर पर्त चीजें जो हैं खुलती गई, उसमें कंगना रनावत आ जाती हैं। कंगना रनावत जब आती हैं तो वो जो बयान देती हैं, पहले कुछ बयान देती हैं, बाद में कुछ बयान देती हैं, और अब जो उनको लेकर हो रहा है वो कुछ और है। अब आप बताइए कि इसमें क्या केवल बिहार है? दोस्तों, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि एब्सर्डिटी आप ये जो एब्सर्ड है ना थिएटर का, ये जो एब्सर्डिटी आपको दिखाई दे रही है सियासत की, ये जो आपको नौटंकी दिखाई दे रही है राजनीति की चुनाव के एन पहले बिहार के, दरअसल इसके पीछे गंभीर योजना है। और वो क्या है? देखिए, अभी कंगना रनावत जी को जब Y+ सिक्योरिटी दी गई, लोगों ने कहा ये क्या बात, आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, कपिल मिश्रा जिन्होंने दिल्ली के दंगों के एन पहले क्या क्या बयान दिया था पुलिस वालों के सामने, वो तो याद होगा, और उनको वो सिक्योरिटी दे दी गई तत्काल, जो देश के कैबिनेट मंत्रियों को भी सबको नहीं है, सिर्फ गृह मंत्री जी को है, कानून मंत्री जी को है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। उसी तरह से अर्णव गोस्वामी, एक ऐसे टेलीविजन कहना पड़ेगा क्योंकि है तो टेलीविजन ही, भले वो काम कुछ और कर रहे हों, लेकिन जो अर्णव गोस्वामी को सिक्योरिटी दी गई थी, उसके पहले एक और सज्जन है जो नोएडा के स्टूडियो में बैठते हैं, अब हम नाम क्या लें, लेकिन उनको वाई प्लस नहीं मिल पाई, वो बड़े तकलीफ में इन दिनों होंगे, वो भी गगनचुंबी आवाज के साथ बहुत तेज बोलते हैं और बताते हैं कि देश जो है क्या चाहता है। तो दोस्तों, ये जो पहलू हैं, ये सारे के सारे पहलू कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, और मैं कह रहा हूं कि एक तीर से कई निशाने हैं, इसके निशाने पर मुंबई का बॉलीवुड भी है, पूरा का पूरा सिनेमा जगत है, महाराष्ट्र की सरकार है, और केंद्र में जो विपक्ष की एक संभावना दिख रही है, थोड़ी बहुत मैं कहूंगा, वह भी है। और सियासत के इस रंगमंच पे, हम सियासत का रंगमंच कहेंगे, इस पे उतरने से पहले कंगना रनावत ने अपना किरदार तय कर लिया था, और वो क्या था,
उन्होंने सबसे पहले आरक्षण के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। दूसरा बयान उन्होंने क्या दिया कि उनको राजपूत होने पर गर्व है। और तीसरा बयान उन्होंने क्या दिया कि मुंबई पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने गुजरात को रवांडा कह दिया होता, पता नहीं उसका क्या होता, एनएसए लग जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मुंबई पीओके हो गया है, उसके ठीक कुछ ही दिन के अंदर उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। और अभी जो तस्वीरें मैंने देखी, मोहाली एयरपोर्ट पर वो जा रही थी और वो घेरा था जो कभी कभी फिल्मों में वैसा घेरा दिखता है, और उस तरह के घेरे में कंगना रनावत चारों तरफ सीआरपीएफ के कमांडो घेरे हुए हैं और चली जा रही हैं, लोग देख रहे हैं। तो ये जो फिल्मी जो दृश्य कभी कभी दिखते थे हम लोगों को इस तरह के, वो हमने आज कंगना रनावत को उसी रूप में देखा, रियल लाइफ में, यानी रियल लाइफ में कन्वर्ट हो गई। तो कंगना रनावत जी ने जो एक किरदार अपना संभाला, एक किरदार जो अपना तय किया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यही बात अगर संबित पात्रा कहते या कोई और प्रवक्ता कहता भाजपा का, तो शायद उतना आकर्षक नहीं होता, उतना शायद विवाद नहीं पैदा होता। तो ये विवाद पैदा करने की पूरी जो कल्चर है, ये जो जो जो, जो सियासी कल्चर है, वो क्यों है? लोग भूल जाएं कि महामारी है, लोग भूल जाएं कि भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और जल्दी ही विश्व के नंबर वन देश हम बनने जा रहे हैं, मौत के मामले में, संक्रमण के मामले में, बेहाली के मामले में, बेकारी के मामले में, और पूरे राष्ट्र और राज्य का जो ध्वंस जिस तरह से हो रहा है उसके मामले में। लोग भूल जाएं कि पार्लियामेंट हमारी बैठने जा रही है लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। लोग भूल जाएं कि जो भी असहमति की आवाज बुलंद करता है उसको फौरन देशद्रोही कह करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग भूल जाएं कि कोई भी बौद्धिक व्यक्ति अगर असहमति का सुर जाहिर करेगा, स्वर देगा, तो उसे भी अर्बन नक्सल कहकर कहीं भी उसको बाहर किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। यह हाल है। अब आप सेंट्रल विस्टा को भूल जाएं, आप एक डिमोल्यूशन को तो याद कर रहे हैं, बहुत हंगामा भी किया जा रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन आप भूल जाएंगे कि जब सेंट्रल विस्टा नया बनेगा तो कितने डिमोल्यूशन होंगे और कितने करोड़ों की बिल्डिंगें धराशायी की जाएंगी। और दोस्तों, आप यह भी भूल जाएं कि एक महान न्यायमूर्ति ने बिल्कुल अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एक जजमेंट दिया था जिसमें 48,000 झुग्गियों को डिमोलिश करने की, जो दिल्ली में रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द बसी हुई हैं, कोरोना के इस दौर में ऐसे लोगों को 48,000 झुग्गियों में रहने वाले, अगर एक झुग्गी में चार लोग भी होंगे तो आप कल्पना कीजिए कि कितने लाख लोग हो गए। उन लोगों को बेघर करना है, वे लोग इस महामारी में बेघर कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मसला भूल जाए, आप भूल जाए कि बिहार के चुनावों का मसला क्या है। सरकार विरोधी अगर भावना है तो लोग भूल जाए, असल कहानी ये है। और असल कहानी ये है कि बॉलीवुड आजादी से पहले से लेकर और आज तक जिस तरह की स्थितियां बॉलीवुड में रही, वो बिल्कुल बदल दिया जाए। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदल देना था और बदल रहा है, कुछ दिन में और बदल जाएगा, ठीक उसी तरह से बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं उनके निशाने पर था, आंखों में चुभ रहा था कि ये कैसी फिल्में बनाते हैं, ये फिल्में जो बनाते हैं उसमें किरदार कहां से ये लाते हैं, ये कंटेंट कहां से लाते हैं। तो उनको एक ऐसा बॉलीवुड चाहिए जिसका नाम मुंबई पुरम हो। बॉलीवुड क्यों हो, उसमें कंगना रनावत उसको लीड कर सकती हैं, उसको अक्षय कुमार लीड कर सकते हैं, उसको और कोई लीड कर सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। फिर क्यों मुगले आजम कोई फिल्म बनेगी, क्यों दो बीघा जमीन बनेगी, क्यों शतरंज के खिलाड़ी बनेंगे, क्यों इस तरह की फिल्में बनेंगी। फिल्में केवल बनेंगी हमारी लक्ष्मीबाई पर, राणा प्रताप पर, गोलवलकर जी पर, इस तरह के सावरकर जी पर, आरक्षण क्यों खतरनाक है देश के लिए, इस पर फिल्म बननी चाहिए। तो दोस्तों, ये मसला भी है बॉलीवुड को रिस्ट्रक्चर करना। और मेरी जो जानकारी है, और ये प्रामाणिक जानकारी है, कि कुछ ही महीने पहले की बात है, मुंबई में नागपुर से बहुत बड़े नेता गए थे और उन्होंने
मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर के साथ मीटिंग की कि जो फिल्म का ढर्रा बॉलीवुड में है अब वो बदलना चाहिए, उसको राष्ट्रवादी होना चाहिए, उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुष्ट करने वाला होना चाहिए। बल्कि दबे स्वर में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र का एक की पक्षधर आवाज, अब उसके उसके उससे मिलती जुलती आवाज यहां के सिनेमा जगत से उभरनी चाहिए। तो ये भी मसले हैं। और महाराष्ट्र सरकार तो है ही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार एक मुश्किल पैदा कर रही है, और महाराष्ट्र सरकार इसलिए भी है कि शिवसेना उनका एलाई रहा है। तो कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ गठबंधन धराशायी हो, किसी तरह से सरकार फिर से बने, सरकार बनाने की कोशिश की ही थी, वो सरकार नहीं चल पाई। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मुंबई में सरकार बदलना है, और मुंबई में जो बॉलीवुड है उसको मुंबई पुरम बनाना है, और बिहार के इलेक्शन में सारे मसलों को गायब करना है, और ले देकर करना यह है कि लोग भूल जाएं कि महामारी है, 90,000 लोग रोजाना यहां पर संक्रमित हो रहे हैं, और मरने वालों की संख्या अपने देश में 73,800 से ज्यादा हो चुकी है, और टोटल जो संक्रमित लोग हैं ब्राजील को पछाड़कर हम 43,70,000 से ऊपर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, हम जीडीपी को भूल जाएं, हम सब कुछ भूल जाएं, हम इन्हीं चीजों में फंसे रहें, कंगना रनावत में उलझे रहें, हम उनके विरोध में कुछ बात कहें, कुछ उनके पक्ष में बात कहें, एब्सर्डिटी, ये एब्सर्डिटी का ये थिएटर चलता रहे और लोकतंत्र इसी तरह से लुढ़कता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।